एक प्लेन है दैट नीड्स टू लैंड, इट्स रनिंग आउट ऑफ फ्यूल एंड उसे परमिशन नहीं मिल रही है लैंड करने को। तभी अचानक से हमारा हीरो इंस्ट्रक्ट करता है टू लैंड द प्लेन इन द तांबरम एयरबेस। प्लेन समहाउ लैंड होता है एंड वी सेंस दैट देयर हैज बीन अ क्रैश। कट टू फ्लैशबैक। अब इतना तोड़ू और धांसू ओपनिंग के बाद हाउ कैन यू नॉट गेट हुक टू द मूवी? येस आई एम टॉकिंग अबाउट सूरराई पोत्रू। आई होप आई प्रोनाउंस इट करेक्टली, अगर गलती हुई तो माफ़ी। इंग्लिश में बोले तो प्रेज द ब्रेव। इट इज़ बेस्ड ऑन सिंपली फ्लाई अ डेक्कन ओडिसी बाय कैप्टन जी आर गोपीनाथ। फ्लैशबैक में यू मीट आर ऑनेस्ट हीरो नीदू मारन प्लेड बाय सूर्या। उसका सिर्फ एक सपना है, लो कॉस्ट एविएशन फॉर एवरी इंडियन। देन फीमेल लीड में यू हैव अपर्णा बालामुरली हु हैज गिवन सो मच लाइफ एंड डेप्थ टू बॉमी। लव द केमिस्ट्री बिटवीन द टू लीड्स। पॉइंट टू बी नोटेड, मूवी स्टार्ट होने के 25 मिनट में ही एक एपिक सीन आता है बिटवीन देम व्हिच वाज गार्निश्ड विद फैंटास्टिक डायलॉग्स। नॉट गोइंग टू स्पॉइल इट फॉर यू, ये सीन मेरा क्यूरियोसिटी डबल कर दिया था। अगर हीरो तगड़ा हो तो अच्छा, और विलन तगड़ा हो तो बहुत अच्छा। We have Paresh Rawal ji as the baddie, Paresh Goswami. We all know he's a great actor and he proves it yet again. He is throughout the movie, love this fact. He dominates, he manipulates and wins every freaking time. After many days, I started genuinely hating an on-screen villain. Just ek complaint hai ki I noticed Paresh ji ne Tamil mein dialogues bole hain. Yes, I can lip read. डब्ड ऑडियो के जगह उनकी आवाज़ सुनने को मिलती तो और एपिक होता। मूवी इज टेरिफिक, इट इज सुपर एंटरटेनिंग। आप एक भी सेकंड बोर नहीं होते हो। कंटेंट से भरी हुई मूवी है विथ वेरी वेरी वेल रिटन कैरेक्टर्स एंड इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस बाय एवरीवन। एंड ऑफ कोर्स सुपरस्टार सूर्या हैज ऑल योर अटेंशन थ्रू आउट द मूवी। स्टोरी आर्क इज ऑल्सो वेरी एंगेजिंग। हर बार इम्पॉसिबल चैलेंजेस थ्रो किए जाते हैं हीरो के सामने एंड ही हैज टू विन। एंड जब वो जीतता है फिर एक नया चैलेंज आ जाता है। ये इतना ज़्यादा होता है दैट मूवी ख़त्म होने वाली है बट फिर भी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं, विच इज सो माइंड बॉगलिंगली गुड। बहुत दिनों के बाद स्वर्विंग दिखा ऑन स्क्रीन एंड आई लव्ड इट। देयर इज एन अमेजिंग सीन विद द प्रेसिडेंट एंड इफ इट एक्चुअली हैपेंड, हैट्स ऑफ। आज के समय में पीपल शुड टेक पॉइंटर्स ऑन दिस मूवी एंड हाउ टू गेट एवरीथिंग राइट। नाउडेज एनीथिंग कैन बिकम अ कॉन्ट्रोवर्सी। So the makers have explained everything via disclaimers. Why people are speaking in Tamil in Delhi, explained when the movie starts. Is this scene disrespecting someone? No. Please look at this disclaimer. Kudos to the team for thinking it through. This movie is for everyone who has a dream and is willing to risk everything to fulfill it. It is an emotional ride. I cried a lot during the emotional scenes and I was completely drenched in tears in the second half. My favorite line while I was crying was, what we intend to do is much bigger than our egos. And the dialogue was said by the legendary Mohan Babu to Surya. This movie deserved a theatrical release. I can literally see people coming out of the hall discussing ki ye kya hua, ye kaise hua, in the interval talking ki aage kya hoga, kaise hoga, kitna maza aaya. Okay, chand mein bhi daag hota hai. So the only problem that I saw in this movie was VFX and animation, jo plane wale scenes the. उसमें यू कैन क्लियरली सी क्या एनिमेटेड था, कहाँ स्पेशल इफेक्ट लगे थे। थोड़ा और पॉलिशिंग होता तो एपिक हो जाता, बट रेस्ट एवरीथिंग इज परफेक्ट। ट्रूली एन एक्सलेंट फैमिली फिल्म विच आई वुड हैंड्स डाउन से वाज अ परफेक्ट दिवाली गिफ्ट। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट रीमेक इट, जस्ट डोंट। दैट वॉज अ रिव्यू गाइज। कमेंट में बताओ कैसी लगी मूवी और कैसा लगा मेरा रिव्यू। And as always, सिक्ट्री का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।